नमस्कार, मैं गौरी वर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज़। भारत वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में हम बात करेंगे जमुई की, जहां सोनू प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी से मारपीट करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही बात होगी जुन्नारदेव की, जहां तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंदा, और बताएंगे कैसे रतलाम में जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश पाथम ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। तमाम खबरों पर विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर जमुई से, जो जमुई में शनिवार को खैरा थाना परिसर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी झाझा राजेश कुमार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सोनू प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी से मारपीट करने के संबंध में गिरफ्तारी की जानकारी दी। इन संबंध में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत केंदुआ पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार की देर शाम सोनू प्रखंड के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी उपेंद्र कुमार वर्मा के साथ जमुई लौटते वक्त 4 से 5 की संख्या में अपराधी तत्वों ने मारपीट की। प्रारंभिक पूछताछ में ये जानकारी मिली थी कि गाड़ी को आपराधिक तत्वों द्वारा जबरदस्ती सड़क पर रोक दिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल पदाधिकारी को समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराई गई और जमुई पुलिस उनसे और उनके परिजनों से संपर्क में है। देखिए, हमारे द्वारा तो हमेशा उस पर कार्रवाई की ही जाती है। पहले से रेकी किया गया था, देखा गया कि इस समय में थोड़ा सा वहाँ पे लोगों की आवाजाही थोड़ा कम है, इस चीज़ को लेकर वहाँ पे उन्होंने ये कृत्य किया। यस, बाकी भी हम लोग ने चिन्हित कर लिया है, बहुत जल्दी हम लोग 24 घंटे के अंदर उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। कहा ये भी जा रहा है कि अधिकारी के द्वारा पीसी की ज़्यादा मांग की जा रही थी, इसी कारण नहीं? नहीं, ऐसा कोई हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं है। मुखिया और पंचायत सचिव के इशारे पर घटना को अंजाम दिया गया, ऐसा बता रहे? देखिए, इसके बारे में भी, इस बिंदु पर भी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। जैसे जैसे बात आगे आएगी वो आपसे शेयर किया जाएगा। मामला कहीं पॉलिटिकलाइज तो नहीं हो रहा है सर? देखिए, अभी तो हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही, आगे जैसे जैसे बात आएगी आपसे शेयर किया जाएगा। क्या पर कार्रवाई की? मैंने क्या था कि आगे जांच हो रहा है, जो जो इस बिंदु पर हुआ उनसे क्या पता चला, उनके इशारे पर किया गया? देखिए, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनुसंधान का क्रम है, वो अभी आपसे शेयर नहीं किया जा सकता है। अधिकारी सोनू के साथ हुई मारपीट एवं गंभीर रूप से घायल करने के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया है। जमुई जिले के खैरा थाना अंतर्गत केंदुआ पेट्रोल पंप के कल दिनांक 24/5/24 को सोनू प्रखंड के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी श्री उपेंद्र कुमार वर्मा के साथ जमुई लौटते वक्त 5 से 6 की संख्या में अपराध तत्व द्वारा मारपीट की गई थी। प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी मिली थी कि उनकी गाड़ी को अपराधी तत्वों द्वारा जबरदस्ती सड़क पर रोक दिया गया, फिर अपराधियों द्वारा उन्हें सड़क से थोड़ी दूर ले जाकर उनके साथ मारपीट करते हुए उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। वादी श्री उपेंद्र कुमार वर्मा के लिखित आवेदन के आधार पर खैरा थाना में कांड दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जमुई के द्वारा मेरे नेतृत्व में थानाध्यक्ष सोनू, थानाध्यक्ष झाझा एवं थानाध्यक्ष खैरा के साथ एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें जिला सूचना इकाई के पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इस विशेष टीम द्वारा मानवीय सूचना एवं तकनीक अनुसंधान की सहायता से पूरे मामले का उद्भेदन करते हुए इस घटना में संलिप्त सभी अपराधियों को चिन्हित किया जा चुका है। पुलिस द्वारा अब तक की गई त्वरित कार्रवाई में इस आपराधिक घटना में शामिल 3 व्यक्तियों को फोटो से पहचान कर पूछताछ हेतु लाया गया, जिनसे गहन पूछताछ के बाद अपनी अपनी संलिप्तता स्वीकार किए। तत्पश्चात तीनों को विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा अन्य शामिल अभियुक्तों के विरुद्ध छापामारी जारी है। घटना के संबंध में वादी द्वारा बताया गया कि पंचायत सचिव श्री रामस्वरूप सिंह एवं वर्तमान मुखिया रेखा देवी के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर कर वित्तीय वर्ष 22-23 में लगभग 31 लाख रुपये की निकासी की गई थी। निकासी के विरुद्ध में दस्तावेज लाने हेतु लिखित आदेश की मांग की गई थी, जिसे पंचायत सचिव एवं मुखिया काफ़ी आक्रोशित थे, जिसके आलोक में एक सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा भी अपनी संलिप्तता स्वीकार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त में ऋषि कुमार, पिता सत्येंद्र राय, सोनो थाना जिला जमुई, आशीष रंजन उर्फ गांधी, पिता मुकेश सिन्हा सोनो थाना, प्रिंस कुमार, पिता प्रमोद राय सोनो थाना, बरामद सामान में 3 मोबाइल, छापा मारी। जमुई से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
खबर जुन्नारदेव से है, जहां डंपर ने बाइक सवार को रौंद दिया। जुन्नारदेव अनुभागीय दमुआ थाना क्षेत्र से सटी ग्राम रामपुर के समीप दमुआ सारणी मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां बाइक पर सवार दो युवक दमुआ से चीटक बररी जा रहे थे। तेज रफ्तार आ रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक जिसका नाम चममुवाल उइके बताया जा रहा है, उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हुआ है, जिसे दमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जगजीवन स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आगमन है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसे हेलीपैड से लेकर उनकी सभा तक 18 पॉइंट पर पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। सुरक्षा की व्यवस्था को देख रेख निरीक्षण के लिए SPG के जवान पहुँच चुके हैं। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा सभी स्थलों का निरीक्षण किया गया है। कैमूर जिले के SP ललित मोहन शर्मा भी स्थल पर पहुँच कर निरीक्षण करते नजर आए। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी शिवेश राम को जिताने के लिए भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार भी जोर शोर से जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। भाजपा की सीधी टक्कर कांग्रेस प्रत्याशी से अब देखना होगा कि जनता किसे पसंद करती है। आप उधर लेना ही हमें दफ्तर को नहीं कल जो है गृह मंत्री का आने का जो है कई बजे कार्यक्रम का क्या तैयारी है? कार्यक्रम कल माननीय गृह मंत्री जी का लगभग 12 बजे से शुरू है और कार्यक्रम 2:30 बजे तक चलेगा। कौन कौन आ रहे हैं? अरे माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उनके साथ और कई नेता पटना से आएंगे। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, अभी एक दो घंटे में कंफर्म हो जाएगा कि कौन कौन नेता आ रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री तो जरूर आ रहे हैं। इतना बढ़िया तैयारी है और लोगों में उत्साह है कैमूर के लोगों में कि भाई चलिए अमित शाह जी आ रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियत नीति में लोग भरोसा है। बहुत लोग देख रहा है घूम घूम के हेलीकॉप्टर से कि यहाँ प्रचार कर रहे हैं। कैमूर में भी नहीं आए थे, कैमूर में पहला आगमन है इस 2024 के चुनाव में। लोगों में उत्साह है, अपार जन समर्थन मिल रहा है, बहुत भीड़ होगा, बहुत लोग आएंगे। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम ने शनिवार को आयोजित मतगणना कार्मिकों के प्रशिक्षण को संबोधित किया और कहा कि 4 जून को मतगणना रतलाम के कला एवं विज्ञान महाविद्यालय परिसर में संपन्न होगी। इसके लिए नियुक्त सभी अधिकारी कर्मचारी मतगणना के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से पूरा करें। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार मतगणना की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।